हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त विनोद विजय आज फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईए एग्जाम गाइड में। दोस्तों, डेली की तरह आज फिर से हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, उसमें आपको हम बताएंगे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो दो दिन से मैं जो टॉपिक डाल रहा हूँ वो छोटे छोटे टॉपिक है और आपके मार्क्स अच्छे से कवर करवा रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ा रहे हैं आपको सर्च इंजन के बारे में, बताएंगे कि सर्च इंजन क्या होता है और किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो सर्च इंजन की बात करता हूं तो अपने पास ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी वेब पेज पर किसी भी कीवर्ड की अपने पास खोज करता है अपने पास। और आप जानते होंगे कि जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, ये सब अपने पास सर्च इंजन है। सबका सर्च करने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करिए, कभी याहू पे सर्च करिए, तो गूगल बेस्ट सर्च करता है कंपेयर टू याहू। मतलब सर्चिंग करने का सबका तरीका अलग अलग होता है अपने पास। उसके बाद सर्च इंजन में अपने पास तीन तरह की टास्क होती है, ये आपको याद रखनी है, बिकॉज कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। पहली टास्क की मैं बात करूँ तो पहली क्रॉलिंग होती है, दूसरी इंडेक्सिंग होती है और तीसरी लिस्टिंग होती है। क्रॉलिंग की मैं बात करूँ तो अपने पास कोई भी वेब पेज कंटेंट की खोज करता है उसे क्रॉलिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग की खोज के बाद जो जो खोज किया है उसकी इंडेक्सिंग करता है वो उसकी इंडेक्सिंग होती है। और लिस्टिंग, जो यूजर द्वारा खोजा गया है वर्ड उसके अकॉर्डिंग वो लिस्टिंग तैयार करके यूजर को शो करता है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, कुछ भी हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वो जो कीवर्ड है वो लाखों वेब पेजेस से सर्च करता है और वहां से इंफॉर्मेशन उठा के लाता है अपने पास। तो लाखों वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसे स्पाइडर, बॉट्स और ट्रावलर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब स्पाइडर लिस्ट बना रहा होता है तो इस प्रोसेस को वो क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बाद वे क्रॉल से डेटा को इकट्ठा करते हैं। क्रॉलिंग करने के बाद डेटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, देन अपने डेटाबेस में डाल के उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, ताकि इंडेक्सिंग की वजह से यूजर को जल्दी से जल्दी जो वो कीवर्ड खोजा है वो इंफॉर्मेशन उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्च इंजन की। यहाँ से आपको वैसे मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बाकी नॉलेज में रहना चाहिए कि किस किस टाइप के आपके सर्च इंजन्स होते हैं। तो पहले टाइप की मैं बात करूँ तो क्रावलर बेस्ड होता है। इस तरह के सर्च इंजन अपने पास ऑटोमेटिकली लिस्टिंग को कंपाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, याहू, बिंग, ये सारे अपने पास क्रावलर बेस्ड सर्च इंजन होते हैं। इसके बाद सेकेंड सर्च इंजन की बात करूँ डायरेक्टरीज, तो डायरेक्टरीज में अपने पास क्या होता है, लिस्टिंग को कंपाइल करने के लिए ह्यूमन एडिटर का उपयोग किया जाता है। मतलब उसमें तो डायरेक्टली होता था अपने पास कंपाइल, इसमें ह्यूमन एडिटर की जरूरत पड़ती है। तो सर्च इंजन में बात करें तो याहू डायरेक्टरी का नाम सबसे ऊपर आज है। इसके बाद हाइब्रिड सर्च इंजन की मैं बात करूँ तो हाइब्रिड सर्च इंजन, हाइब्रिड का मतलब होता है किसी चीज का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड सर्च इंजन क्रॉलर बेस्ड और डायरेक्टरी बेस्ड दोनों के कॉम्बिनेशन का इसमें यूज लिया गया है अपने पास। और अधिक से अधिक सर्च इंजन इन दिनों में हाइब्रिड सर्च इंजन ही बन रहे हैं, जैसे कि याहू हो गया अपने पास, गूगल हो गया, ये सब हाइब्रिड के ही एग्जांपल है अपने पास। एक होता है अपने पास मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन की मैं बात करूं तो मेटा सर्च इंजन किसी अदर सर्च इंजन के लिए क्वेरी को भेजता है और वहां से प्राप्त रिजल्ट को कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करके उनकी लिस्ट बनाता है। ये काम मेटा सर्च इंजन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेटा क्रॉलर हो गया, हॉटबॉट हो गया, डॉक फाइल हो गया, मेटा सर्च, ये सारे मेटा सर्च इंजन अपने पास अवेलेबल है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत सी बार यहाँ से बन जाता है, आपको सर्च इंजन के नाम पता रहना चाहिए, बिकॉज सर्च इंजन के नाम भी आपको पता रहने चाहिए, बिकॉज आपको डायरेक्टली वो देगा कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है या नहीं, तो आपको वहां पर वो वेब ब्राउजर के नाम भी देगा और सर्च इंजन के नाम भी देगा। तो मैंने मेरी क्लास में देखा है कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको पता नहीं रहता कि कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा सर्च इंजन है। तो आपको अलग अलग सबका नाम पता रहना चाहिए। तो सर्च इंजन कुछ है यहाँ पे है मोस्ट पॉपुलर जो 2018 के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। केवल यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनके अलावा कोई नाम, कोई चीज आपको याद नहीं रखनी है, नाम याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही से कर सके। पहला है अपने पास गूगल, जो कि आप टॉप पर है। उसके बाद बिंग हो गया, याहू हो गया, ASK.com हो गया, AOL.com हो गया अपने पास, बैदू हो गया, वोल्फ्राम अल्फा हो गया, डकडकगो हो गया एंड इंटरनेट आर्काइव हो गया अपने पास। तो ये अपने पास कुछ इम्पोर्टेंट जो कि ज़्यादातर यूज में आते हैं
उन सभी के सर्च इंजन के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, और आपको याद रखनी है क्या क्या प्रोसेस होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्रॉलिंग क्या होती है, क्रॉलर क्या होता है, ये सब कुछ इस तरह बेसिक याद करोगे तो आपका सर्च इंजन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, मैंने आपको बहुत कम 3 से 4 मिनट में सारा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जो कि एग्जाम को कवर करवा रहा है, उस अकॉर्डिंग बताया। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपको ऐसे ही डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।